हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक इंडियन पॉलिटी में। इंडियन पॉलिटी में हम बात करने वाले हैं एक नए वीडियो के साथ, एक अच्छे वीडियो के साथ। वो टॉपिक हमारा संविधान की प्रमुख विशेषताएं। संविधान की प्रमुख विशेषताएं इसलिए समझते हैं क्योंकि आने वाले वक्त जब हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि संविधान की अभी संवैधानिक विकास की बात कर रहे हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे तो संविधान की विशेषताओं के बारे में जानकारी लेंगे। हर एक तथ्य की, हर एक फैक्ट की, हर एक बुक की, हर एक संस्था की कुछ विशेषताएं होती है, तो फीचर्स होते हैं उसकी, क्या विशेषताएं होती हैं एक संविधान की, वो सारी विशेषताएं हमें जाननी होंगी। उसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान की भी कुछ विशेषताएं, दुनिया के विभिन्न संविधानों की कुछ विशेषताएं। आज लोकतंत्र स्थापित है, कहीं कहीं साम्यवाद स्थापित है, कहीं कहीं समाजवाद स्थापित है, कहीं कहीं और अन्य तंत्र स्थापित है। उसी तरह भारतीय संविधान में क्या क्या विशेषताएं रखी गई हैं इसकी बात करेंगे। ये सारी विशेषताएं पेपर से संबंधित होती हैं, परीक्षा में आती हैं, परीक्षा में पूछ ली जाती हैं और आपसे पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सी विशेषता संविधान की है। तो शुरू करते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान तत्व मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय है। तो ये बात है कि भारतीय संविधान मूल भावना और तत्वों की भारतीय संविधान तत्व मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय है। हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं। उधार शब्द सही यूज नहीं किया गया यहाँ पे। भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो अन्य देशों के संविधानों से अलग अलग पहचान रखते हैं। ये बात नहीं होगी इस किताब में जो यूज किया गया है, ये उस बुक में यूज किया गया उधार शब्द, ये यहाँ पे सही नहीं है। ये अवैधानिक है, इसको कह सकते हैं कि उसकी शिक्षा की दृष्टि से ये शब्द सही नहीं है। अब उधार शब्द क्या है कि जिस समय पे, उस समय पे जब ये संविधान बन रहा था तो पूरे विश्व में कुछ प्रतिमान स्थापित हो चुके थे, जैसे कि सभी लोग साइंस के नियमों को जान चुके थे। अब जैसे कोई ये कहता है कि रसायन पानी का सूत्र H2O होता है और किसी ने अपनी बुक में लिख दिया H2O, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं हुआ कि उसको जो है कहीं से कॉपी करके लिखा है। नहीं, जो प्रतिमान स्थापित हो चुके थे, नेचुरल जस्टिस जो प्रतिमा स्थापित हो चुके थे, उसको जो है लेना, उसको रखना, इसमें कोई चोरी या उधारी नहीं है। उधार नहीं होता है, उधार लौटाना पड़ता है। उधार का अर्थ होता है लौटाना। कभी ना कभी उधार कैसे ले सकते हैं, उधार नहीं लिया है कुछ भी चीज़। ठीक है, इस पर एक लंबा डिस्कस करेंगे अपन लोग, तो बात करेंगे कि आखिर में ये लोग क्यों ऐसा कहते हैं उधार लिया। भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व जो अन्य देशों के संविधान से अलग पहचान कराते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। विशेष रूप से 7वें, 42वें, 44वें और 73वें, 94वें, 97वें, 101वें संविधान संशोधन में कई बड़े परिवर्तन हुए। तो इतने संविधानिक संशोधन हुए, बड़े परिवर्तन हुए। परिवर्तन करने वाले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हालांकि किस बदले में भारतीय 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 367 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे के बदलने की अनुमति नहीं देती है। तो ये संविधान की बात हमने करी थी, संविधान की बात में ये सारी बातें करी थी। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 367 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने के लिए पर्याप्त अनुमति नहीं देती। तो ये हम जो बात कर रहे हैं वो संविधान के विकास, संविधान की प्रमुख विशेषताओं की बात कर रहे हैं। संविधान की प्रमुख विशेषताओं में मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया है संविधान की विशेषता में, तो हम आगे इसकी बात करेंगे। संविधान की विशेषताओं में आगे भी बहुत सी विशेषताएं हैं। जैसे कि पहली विशेषताओं की बात कर ली जाए, अगर प्रथम विशेषता संविधान की, प्रथम विशेषता की बात कर ली जाए, जैसे कि संविधान के वर्तमान में इसकी विशेषता नियम लिखते हैं। जैसे प्रथम विशेषता इसकी है सबसे लंबा संविधान। तो ये माना जाता है कि भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान है। तो ये पहली इसकी विशेषता है कि सबसे लंबा संविधान भारत का है। जैसे सबसे लंबे संविधान की विशेषता के रूप में भारत का संविधान वर्णित है। संविधान को दो भागों में विभाजित किया जाता है, लिखित और अलिखित। लिखित जैसे कि दो भागों में विभाजित किया जाता है, लिखित जैसे अमेरिका संविधान और लिखित जैसे ब्रिटेन का संविधान। तो संविधान को दो भागों में विभाजित किया जाता है, ये पुस्तक लिखती है। और वैसे भी वास्तविक रूप में राजनीति शास्त्र में भी यही बार वर्णित है कि संविधान को दो भागों में विभाजित किया जाता है, लिखित और अलिखित। वर्तमान स्वरूप में अमेरिकी संविधान लिखित है और ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। यह बहुत बृहद और समग्र विस्तृत दस्तावेज है। तो भारतीय संविधान सबसे लंबा और विस्तृत दस्तावेज है। तो इसमें बात करते हैं, इसमें मूल रूप से 1949 की बात हो रही है। संविधान में एक प्रस्तावना थी जिसमें 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग विभक्त थे, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 2019 में इसमें एक ये पुस्तक लिख रही है, इसमें एक प्रस्तावना है, 470 अनुच्छेद है, 25 भागों में विभक्त है और 12 अनुसूचियां। ये पुस्तक लिख रही है। 1951 से हुए विभिन्न संशोधनों ने करीब 20 अनुच्छेद एवं एक भाग 7 को हटा दिया है। तो 1951 से हुए विभिन्न संशोधनों में करीब 20 अनुच्छेद एवं एक भाग 7 को हटा दिया। इसमें करीब 55 अनुच्छेद चार भागों 4 का 9 का 9 का 14 का और 4 अनुसूचियां 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया। तो इसमें 95 अनुच्छेदों को और 4 भागों को 4 का 9 का 9 का और 14 का के 4 अनुसूचियां 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया। विश्व के किसी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियां नहीं है। ये एक इसका सेल्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन है भारतीय संविधान के विषय में। तो उसके बाद हम और ज़्यादा आगे चलेंगे, फिर और बात करेंगे इसमें भारतीय संविधान से रिलेटेड विशेषताओं के विषय में। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी परीक्षाओं के लिए, चाहे पॉलिटी हो, चाहे PGT हुआ, UPTGT हुआ, UPSC हुआ, UPPC हुआ, SSC हुआ, GD हुआ, TET हुआ, सुपर टेट हुआ या अन्य किसी परीक्षाओं की तैयारी करें, तो पॉलिटी बेहद महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है। पॉलिटी से संबंध 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में PGT के लिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ये स्पेशल PGT के लिए और महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो अभी 2022 में परीक्षा आ रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर।